बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग ग्रेड टू। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। सो साइंस क्लास इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड। आर यू रेडी फॉर योर साइंस क्लास ग्रेड टू? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 64, 65, 66 एंड 67 ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू पीपल नीड टू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 64। सो चेंजिंग मटीरियल्स, changing material is the topic of our today's discussion. So remember what you have learned about materials in grade 1, chapter number 6, materials around us. So you know materials can be found everywhere. So let's start reading. How can materials change? Materials जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं? Materials can be found all around us. Materials जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। कोई भी non living thing, even वो खेलने वाली है, वो किसी भी use में आ सकती है, कोई खाने वाली चीज़, कोई भी non living thing जो है वो material हो सकते हैं। एंड यू नो मटीरियल्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। सो वी ईट ब्रेड सेपरेट विद बटर। एक बटर जो है वो एक अलग मटीरियल है और ब्रेड जो है वो एक अलग मटीरियल है, ठीक है? दो डिफरेंट मटीरियल्स हैं, लेकिन जब हम ब्रेड पे बटर को सेपरेट कर देते हैं तो वो एक न्यू मटीरियल बन जाता है, यानी कि उस मटीरियल में चेंज आ जाता है। सो ड्रिंक आइस्ड टी, जब आप कोई भी टी में अगर आइस क्यूब्स ऐड कर देते हो तो आइस क्यूब डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट होकर वो डिसअपेयर हो जाते हैं ना, तो वो एक न्यू मटीरियल ही बन जाता है, यानी कि उस मटीरियल में टी में भी चेंजेस आ जाते हैं, जो आइस क्यूब्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ड्रॉ ऑन पीसीज ऑफ पेपर, आप कोई भी पेपर ऑफिस पे जो कि ब्लैंक होता है बिल्कुल, उस पर आप ड्राइंग कर सकते हो। आप ड्राइंग करते हो ना, सो आप ड्राइंग कर सकते हो। तो जब आप किसी भी ब्लैंक पेपर पे ड्राइंग करते हो तो वो एक न्यू मटेरियल बन जाता है, यानी कि पहले एक ब्लैंक पेपर था, जब आपने ड्राइंग की तो उस मटेरियल में चेंजेस आ गई। और प्ले विद सैंड इन अ सैंड पिट, और आप खेलते हो सैंड से इन अ सैंड पिट, तो आप सैंड से कुछ भी न्यू मटेरियल्स फॉर्म कर लेते हो। सो उसमें चेंजेस आ जाती हैं, सैंड को आप कन्वर्ट कर देते हो, चेंज कर देते हो न्यू मटेरियल्स में। ओके, सो मटेरियल्स अराउंड अस कैन अंडरगो चेंजेस। जो मटेरियल्स हमारे इर्द गिर्द होती हैं उनमें चेंजेस भी आती हैं। कैसे चेंजेस आती हैं? ब्रेड दैट इज टोस्टेड बिकम ब्राउन एंड क्रिस्पी। अब एक ब्रेड होगी, जब आप वो सिंपल ब्रेड होगी, आप देखते हो कि उसका कलर क्या होता है, ठीक है, जब वो टोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो ब्राउन हो जाती है और क्रिस्पी हो जाती है, यानी कि ब्रेड एक मटेरियल था, उस मटेरियल में चेंजेस आ गई, ठीक है, क्या चेंजेस आ गई? वो ब्राउन हो गया और क्रिस्पी सा हो गया। सो बटर लेफ्ट इन द ओपन गोज सॉफ्ट। अगर आप बटर को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। हालांकि मटेरियल तो वो ये है तो बटर ही, लेकिन वो सॉफ्ट हो गया, उसमें क्या आ गई हैं? चेंजेस आ गई हैं। ओके, आइस क्यूब इन टी डिसअपीयर। जैसे कि हमने पहले देखे कि अगर आप टी में आइस क्यूब डाल देते हो तो वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है,
यानी कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर डिसअपेयर हो जाते हैं वो वाटर, तो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है टी के अंदर, तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं, तो एक न्यू मटेरियल बन जाता है, यानी कि उसमें चेंजेस आ जाते हैं। आइस क्यूब से वो वाटर में कन्वर्ट होकर टी में डिसअपेयर हो जाता है। पेपर्स कैन बी फोल्डेड इंटू अ पेपर एरोप्लेन। अब कोई भी पेपर होता है आप उसको फोल्ड करके आप पेपर एरोप्लेन बना सकते हो, यानी कि पेपर एक मटेरियल है, जब आप पेपर एरोप्लेन बनाओगे तो उसमें चेंजेस आ जाएंगी, वो एक न्यू मटेरियल बन जाएगा, है ना। सो सैंड कैन बी मेड इनटू अ सैंड कैस्टल्स। सो सैंड से आप डिफरेंट कैस्टल्स बना सकते हो, जैसे आप खेलने के लिए बनाते हो, सो इसमें भी सैंड में भी चेंजेस आ जाएगा। ओके, मटेरियल्स कैन चेंज इन मैनी डिफरेंट वेज। और भी बहुत सारी वेज होती हैं जिनमें मटेरियल्स चेंज हो जाते हैं। दे कैन चेंज इन शेप, वो शेप में मतलब चेंज हो जाते हैं। मॉडलिंग क्ले कैन बी मोल्डेड इन टू मैनी डिफरेंट शेप्स। अब जो मॉडलिंग क्ले होती है आप उसको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हो, ठीक है, आप उसके टॉयज बना सकते हो, आप उसको कुछ भी कर सकते हो। सो दे कैन रिमेन द सेम मटीरियल बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इन टू अनदर बट लुक्स क्वाइट डिफरेंट। सम ऑफ द आइस क्यूब्स इन द ग्लास हैव बिकम वाटर। अब देखें, इस ग्लास में आइस क्यूब्स थे, कुछ देर के लिए आपने उसको छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे, तो वो आफ्टर 2 और 3 मिनट्स जो है वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं आइस क्यूब्स, और क्या बन जाते हैं, बिकम अ वाटर। अब मटेरियल तो सेम ही है, ठीक है, वाटर से ही तो हमने आइस क्यूब्स बनाए थे और आइस क्यूब्स ही दोबारा मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया। मटेरियल्स तो सेम ही है लेकिन उसमें चेंजेस आ जाती हैं, सो दैट्स व्हाई लुक दे लुक क्वाइट डिफरेंट। ओके, एंड मटेरियल्स कैन आल्सो चेंज इनटू न्यू मटेरियल्स। अब हम पहले क्या देख रहे थे कि मटेरियल्स में चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, मटेरियल तो वो वही होता है लेकिन उसमें क्वाइट डिफरेंस हो जाता है, थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मटेरियल्स जो हैं वो न्यू मटेरियल्स में भी चेंज हो सकते हैं। व्हेन न्यू मटेरियल्स आर फॉर्म्ड दे कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। जब न्यू मटेरियल्स फॉर्म होते हैं ना, तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जा सकते। लाइक दिस पेपर बर्न्स टू फॉर्म अ न्यू मटेरियल कॉल्ड ऐश। ये एक पेपर था, आपने उसको बर्न किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में, एक न्यू मटेरियल में कन्वर्ट हो गया जिसको आप ऐश बोलते हो, है ठीक है। जब वो पेपर जल गया और वो राख बन गई पेपर की, तो क्या आप उस ऐश से, उस राख से आप दोबारा पेपर बना सकते हो? नो, नेवर। आप उस ऐश से दोबारा पेपर नहीं मेड अप कर सकते। जब मटेरियल्स में चेंजेस आके वो न्यू मटेरियल्स बन जाते हैं, तो हम उनको उनकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो हाउ कैन फोर्सेस कैन चेंज मटेरियल्स। फोर्सेस जो हैं वो कैसे मटेरियल्स में चेंजेस ला सकती हैं, ठीक है। वी कैन यूज अ फोर्स टू चेंज द शेप ऑफ अ मटेरियल। हम फोर्स को यूज़ कर सकते हैं मटेरियल की शेप चेंज करने के लिए, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम फोर्स को एक मटेरियल से न्यू मटेरियल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नो। हम ये नहीं कह सकते, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास मटेरियल है, हम उस मटेरियल की शेप को चेंज करने के लिए फोर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी हम कौन कौन से मटेरियल्स की शेप को चेंज कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ फोर्स। सम मटीरियल्स कैन बी स्ट्रेच्ड। कुछ मटीरियल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। कौन कौन से मटीरियल वो हो सकते हैं? अ बलून स्ट्रेचेस व्हेन यू ब्लो इनटू इट। अब कोई भी बलून है, आप जब उसके अंदर ब्लो करोगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा ना। अब वो मटीरियल तो वो वही रहेगा लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी। लाइक दिस एन इलास्टिक बैंड स्ट्रेचेस व्हेन यू पुल इट। कोई भी इलास्टिक बैंड है, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, जब आप उसको पुल करते हो, तो वो स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि आप जब उसको खींचते हो तो वो एक न्यू शेप में बन जाता है, ठीक है। आप उसको टेढ़ा करो, ऊपर नीचे जिस तरह की मर्जी शेप बना लो, फोल्ड करो, ठीक है, यानी कि आप एक फोर्स अप्लाई करके उस मटेरियल की शेप को चेंज कर सकते हो।
सम मटीरियल्स कैन बी ट्विस्टेड. अब कुछ मटीरियल्स जो हैं वो ट्विस्ट भी हो जाते हैं. वो कौन से हो सकते हैं? लाइक स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कैन बी ट्विस्टेड टू मेक ब्रेसलेट्स. अब ये स्ट्रिंग है, वो देखो वो उसको ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट तरीके से वो उसको ट्विस्ट कर रहा है. उसने उसको ट्विस्ट करके क्या बना लिया? एक ब्रेसलेट बना लिया. एंड डू कैन बी ट्विस्टेड इन टू शेप्स. ये तो आपको भी पता है, ये जो डू होते हैं किचन में यूज होता है, आप उसको भी डिफरेंट, मतलब वो होता ही ऐसा सॉफ्ट सा, आप उसको भी किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड सम मटीरियल्स कैन बी फोल्डेड और बेंट. अब कुछ मटीरियल्स ऐसे भी होते हैं जो फोल्ड हो सकते हैं और बेंट हो सकते हैं, लाइक पेपर, लाइक स्ट्रॉ. सो पेपर कैन बी बेंट एंड फोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स. पेपर जो है वो बेंट भी हो सकता है और फोल्ड भी हो सकता है डिफरेंट शेप्स में. जैसे हमने देखा था कि आपने पेपर को बेंट करके फोल्ड करके आपने एरोप्लेन बनाया था, एक न्यू मटेरियल बनाया था. आप पेपर को बेंट और फोल्ड करके उसको एरोप्लेन बना सकते हो, उसको काइट बना सकते हो, उसको किसी भी शेप में मतलब बना सकते हो. ओके. अ स्ट्रॉ कैन बी बेंट टू मेक ड्रिंकिंग फ्रॉम अ कप इजियर. एक स्ट्रॉ होता है, आप उसको भी आगे से बेंट करके यूज कर सकते हो. किस लिए? ड्रिंकिंग के लिए. इससे आपकी ड्रिंकिंग इजियर होगी, ड्रिंकिंग फ्रॉम अ कप इजियर. कोई भी आप जूस ड्रिंक कर सकते हो, ठीक है, उस स्ट्रॉ को बेंट करके यूज कर सकते हो. ओके. टू फॉर टुडे आई होप यू पीपल गॉट इट. सो प्लीज रीड इट केयरफुली. If you get any confusion, so let me know. I will explain about materials and changing materials. So, have a good day, grade 2. Allah Hafiz.